नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। जब हम पेंटिकल्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फाइनेंस की, हेल्थ की, क्रिएटिविटी की, और पेंटिकल्स का जो एलिमेंट है वो है अर्थ। तो पेंटिकल्स यही सिग्निफाई करता है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करते हैं, हाउ यू डिज़ाइन योर ओन लाइफ, वॉट वी मेक ऑफ आर ओन सराउंडिंग्स, दैट इज़ वॉट द पेंटिकल स्टैंड फॉर। और पेंटिकल्स जो है, अगर हम प्लेइंग कार्ड में देखेंगे, उसको हम कंपेयर करते हैं डायमंड से। आपको ये पता होना चाहिए कि जो टैरो कार्ड्स हैं वो इंस्पायर्ड हैं कहीं ना कहीं हमारे प्लेइंग कार्ड से। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्लेइंग कार्ड्स को देख के आपके फ्यूचर को बता सकते हैं, दे आर लाइक एडवांस लेवल यू कैन से। और अगर हम अपने टैरो कार्ड्स को देखें जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ मच सिंपलर टू यूज़। सो आज जिस कार्ड की हम बात करने वाले हैं वो है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स में जाने से पहले उसके कीवर्ड्स देखेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स के कीवर्ड्स होंगे एट, रूटीन, पेनेंस, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, एक्सपर्ट, आर्टिस्ट एंड स्मॉल बिजनेस। तो पिक्चोरियल में हम देखते हैं कि एक स्किल्ड वर्कर जो है वो अपने पेंटिकल के ऊपर काम कर रहा है, और वो एक अपने बेंच पे बैठा है और एक पेंटिकल उसके नीचे पड़ा हुआ है, लाइक एज इफ यू नो उसके बाद जो नेक्स्ट जो शुरू करने वाला है उसके पास ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट लाइंड अप है। सो देर आर लाइक सिक्स पेंटिकल्स विच आर वर्टिकली देयर, जो कि शो करता है, और बैक साइड में देर इज़ अ हाउस विच इज शोन। सो अब इसके गहरे मीनिंग में जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसकी बॉडी लैंग्वेज को। बॉडी लैंग्वेज में हम ये देखते हैं कि लाइक ही इज़ वेरी कम्फर्टेबल एंड ही इज़ काइंड ऑफ एंजॉइंग व्हाट ही इज़ डूइंग। इट लुक्स लाइक ही इज़ एन एक्सपर्ट इन व्हाट ही इज़ डूइंग, क्योंकि चेहरे में किसी भी तरह का जो है कोई ऐसा भाव नहीं है कि लाइक वो कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसमें ज़ोर ज़बरदस्ती हो। इट लुक्स लाइक मोर ऑफ अ क्रिएटिव वर्क व्हाट ही इज़ डूइंग एंड ही इज़ हैप्पी डूइंग इट। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो हमारा ये है एट ऑफ पेंटिकल्स के लिए। और दूसरा हम देखते हैं कि उसके आगे जो ये जो पेंटिकल्स जो हैं वो शो उसने जो है हैंग कर रखे हैं एक तरह से। इट्स मोर लाइक हिज मेडल्स और सर्टिफिकेट और द प्रोजेक्ट्स, द ओल्ड प्रोजेक्ट्स विच ही हैज़ सक्सेसफुली अचीव्ड। सो दिस पर्सन इज समवन हु हैज़ नेम इन द मार्केट, हु इज़ पॉपुलर फॉर हिज गुड विल, फॉर हिज गुड वर्क। और लोग इसको जो है इसके काम को पसंद करते हैं, and it just shows like he is in demand, and it also looks like you know he has earned good amount of money, kyunki jo piche ka jo ghar jo show karta hai wo yehi show karta hai ki that he has built up his home, that he has built up his stability, and he is living in a happy environment, or the surroundings which he always wanted to create he has created for himself. yahan pe hum 8 number dekhte hain, it's like a kind of infinity also, and it also stands for a kind of a repetition, something you know which he do again and again. That's what is actually shown here, and it's a card of finding the way to be content in this world, to enjoy our work and to do it willingly and happily. So this is someone who has actually found his niche, who has found you know what he likes doing, and he is happily enjoying it, he is happily doing it. He's an artist, you know, and he's just creating his art and producing his work, and one by one you know success is coming on his way. So eight of pentacles mein hum ye bhi dekhte hain. लेकिन साथ में आपको जो है ये कार्ड ये भी वॉर्न करता है, अगर आप ये आर्टिस्ट हैं और अगर आपकी कार्ड और आपकी रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है, तो आपको ये कार्ड बोलने की कोशिश कर रहा है कि बी केयरफुल बिकॉज यू माइट बी रेपिटेटिव, बी केयरफुल दैट यू डोंट बिकम रेपिटेटिव एंड डोंट वर्क ऑन द पेरिफेरी, गो डीप इनसाइड, ट्राई टू बी स्पॉन्टेनियस, दैट्स व्हाट द कार्ड इज एक्चुअली ट्राइंग टू सिग्निफाई है।
एंड दिस इज द कार्ड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इट इंस्पायर्स यू टू रिमेन स्पॉन्टेनियस एंड ट्राई न्यू थिंग्स वॉट यू फील फ्रॉम योर हार्ट. दिस इज वॉट द एट ऑफ पेंटिकल्स इज ट्राइंग टू टेल अस हियर. नाउ देयर आर टू अदर ऑब्जर्वेशन व्हिच आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट. दो और चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा. एक तो ये है कि यू नो लाइक देर आर लाइक सिक्स पेंटिकल्स विच आर लाइक शोन वर्टिकली यू नो एंड वॉट इट सिग्निफाइज हेयर इज लाइक इट्स मोर लाइक द आवर चक्र सिस्टम. सो वन बाय वन ही इज एक्चुअली वर्किंग ऑन द ऑन हिज चक्र एंड यू नो मेकिंग हिमसेल्फ लाइक बेटर एंड बेटर एवरी डे. द सिक्स ऑफ द चक्र इज द चक्र ऑफ द विशुद्धि. जो हमारा छठा चक्र है वो हमारा विशुद्धि चक्र है और विशुद्धि चक्र जो है इट ऑल्सो स्टैंड फॉर क्रिएटिविटी एंड दिस इज वॉट वी सी दैट दिस इज वॉट इज हैपनिंग हेयर इन द कार्ड दैट ही इज बींग क्रिएटिव दैट ही इज ट्राइंग टू क्रिएट थिंग्स यू नो ही इज ट्राइंग टू और सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो इसमें आती है वो ये कि दैट इफ यू सी क्लोजली ही इज वर्किंग ऑन द पेंटिकल स्पेशली ऑन द स्टार. और अगर हम पेंटिकल के सिंबल को समझते हैं तो पेंटिकल के सिंबल के अंदर जो स्टार है इज़ नोबडी बट अस आर ओन बॉडी. सो विच कैन एक्चुअली सिग्निफाई यू नो दैट ही इज़ एक्चुअली वर्किंग ऑन हिज हेल्थ फिटनेस और योगा लाइक ही इज़ वर्किंग ऑन हिज बॉडी ही इज़ मेकिंग हिमसेल्फ फिट. बट वॉट एवर ही इज़ डूइंग द कार्ड शोज अ पॉजिटिव रिजल्ट. इट्स अ नाइस कार्ड एंड इट शोज दैट ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ. तो जब भी आपकी रीडिंग में जब एट ऑफ पेंटिकल्स आता है, एट ऑफ पेंटिकल्स आपको बताता है कि प्रॉब्ली यू आर इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट एंड यू आर काइंड ऑफ एंजॉयिंग इट एंड दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार्ड इज दैट दिस पर्सन इज एंजॉयिंग व्हाट ही इज डूइंग. अक्सर बहुत लोगों के पास जो है काम ऐसा है कि जिसको वो इंजॉय नहीं करते हैं. दे आर मोर लाइक अ रट. दे आर मोर लाइक यू नो दे हैव टू पुश देमसेल्व्स टू डू थिंग्स यू नो. बट विद दिस पर्सन थिंग्स आर डिफरेंट. बट विद दिस पर्सन थिंग्स आर जस्ट फ्लोइंग. इट इज़ जस्ट हैपनिंग. तो आपकी रीडिंग में ये कार्ड आने का मतलब हुआ आपको प्रॉब्ली इट इज़ इंस्पायरिंग यू टू बी क्रिएटिव एंड टू वर्क ऑन योर सेल्फ और प्रॉब्ली लुक एट योर हेल्थ एंड बेसिकली वॉट एवर इट इज़ शोइंग. इट इज़ शोइंग मोर ऑफ द पॉजिटिव साइंस. सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर एट ऑफ पेंटिकल्स. आई होप यू एन्जॉयड इट. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन गुड बाय. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. नमस्ते.